एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
विशारे माँ प्यो दे पुकार विशारे 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 माँ प्यो दे पुकार विशारे माँ प्यो दे पुकार विशारे माँ प्यो दे पुकार विशारे 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 आज जगत विच जदों जाती पाई दी है बिरध माता पिता दा बड़ा निरादर हो रहा है। माता पिता दे उपकारां नूं भुल के बच्चे अपनी जिम्मेवारी नूं विसार के खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा है। भाई साहब भाई गुरदास जी इस वार विच लिख रहे हैं कि जगत की कैसी रह रीति है, ये मनुख कितना खुद गर्ज हो गया कि जदों तो माता दे उदर विच सी तो परमेश्वर नूं याद करता सी, हे वाहिगुरु मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, हर वेले मैं तेरा सिमरन करांगा, हर वेले तेरा शुकराना करांगा। ते जदों इसका जन्म हो गया ये मां दे उपकारां नूं भी भुल गया, ये मां दियां ओ सियाल दियां रातां जदों गिले बिस्तरे ते मां सौंदी है ते बच्चे नूं अपनी छाती नाल ला के रखदी भाई ठंड ना लग जावे, आ मेरे बच्चे शहन शामा दा कम है तखत ते बैठना, ये तेरा तखत है तू इत्थे आराम कर, गिले ते मैं करांगी आराम। कितने चावां मलारां दे नाल पहला ता 9 महीने कष्ट उठाया, रस खस खाए निलज होया, जो भी कोई चंगे पदार्थ सी वो सारे त्याग के एक कौड़े पदार्थ छकन लगी भाई मेरे बच्चे नू कोई पेट विच तकलीफ ना हो जाए। छू छो के पैर रख दी है किते कोई बच्चे नू तकलीफ ना हो, की कुछ नहीं कीता। जे किसे ने कहा भाई तू चौरस्ते ते बैठ के रोटी पका के खा तेरे घर काका हो जावेगा, कामी कीता। जे किसे पखंडी साधु ने कहा तू अंब दे बूटे तले बह के रोटी पका ते खा अंब दा बूटा सुक जाएगा तेरे घर काका हो जाएगा, वो भी कीता। जे किसे पखंडी साधु ने लुटेरे ने पैसे लुटन लई आख्या भाई तू मुर्दा जलदा होवे उदे कोले कठे करके उदे उते बह के तू रोटी पका खा तेरे घर अवश्य काका होवेगा, वह भी मां ने कीता। जे किसे पखंडी साधु ने कहा भाई खूह विच मंजी विछा के उथे बह के रोटी पका के खा, खूह दी माल भावे टुट जावे पर तेरे घर काका जरूर होवेगा, ओ कुछ भी मां ने कीता। क्योंकि अखान है ना पुत मैं तेरे लिए खूही जाल विछाए, की कुछ मां ने कीता पुत्र लई। ते जदों हुण पुत्र दी वारी आई सेवा करन दी ते हुण निरादर कर रहा है, गल गल ते उन्हां दा मुंह झिड़क रहा है, कोई तरीका लभ रहा है कि किवें इन्हां दी बेइज्जती करां। भाई साहब गुरदास जी ने बिल्कुल ठीक लिखिया है कि कामन कामन आ रही है कीतो कामन कंत प्यारे,
ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੇ ਸਾਈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਓਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਓ ਤੇ ਵਿਵਾਹਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਆਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਮੁਰਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ। ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਲਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਚੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਚੋਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਾ ਮੰਗ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੁੜ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਹਾਰਨੇ ਪਏ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਬਈ ਮਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਮੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਵਾਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲ ਨਾ ਗਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ
विसारे माँ प्यो दे उपकार विसारे 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे माँ प्यो दे उपकार विसारे माँ प्यो दे उपकार विसारे 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे छड वडे हथियार विसारे 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे माँ प्यो दे उपकार विसारे माँ प्यो दे उपकार विसारे 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 माँ प्यो दे उपकार विसारे सारे माँ प्यो दे उपकार विसारे वक्त हो मैं पुत्रन ले माँ प्यो दे उपकार विसारे लोक चार होए वडे कुचारे लोक चार होए वडे कुचारे विसारे माँ प्यो दे उपकार विसारे।
विसारे विसारे मां प्यो दे उपकार विसारे। कितना दुख रे शह के, कितने जतन करके इस मां ने पुत्र नू पालिया सी, वड्डा कीता, ते फिर कितनियां खुशियां होईयां जदों कुड़माई होई, फिर व्याह के ले आई, ते फिर जदों व्याह के डोली ले आए तो मां ने पानी वार के पीता। हे मेरे बच्चियो, तुआडे दुख सारे अज मैं घोल के पी गई हाँ, तुआडी आई मैनू आजा। इतनी कुर्बानी दी मूरत नू जेड़ा कोई झिड़क रहा है, निरादर कर रहा है, सच जानो कोई 18 नरकां विचों कोई भी नरक उन्हूं जल नहीं सकदा। जितना वड्डा ओ हथियारा है, भाई साहब कहंदे ने मां प्यो छड वड्डे हथियारे, वड्डियां गुनाहगारां विच उन्हां दा नाम होवेगा। क्योंकि मां दी सेवा नहीं कीती ते वेद सुनन जा रहे, मां दी सेवा नहीं करदा लोकां नूं लंगर छकांदा फिरदा, मां प्यो भुखे बैठे हन घर, मां प्यो भुखे बैठे हन घर ते दान पुन कर रहा, धोतियां वंडदा फिरदा, उन्हां नूं पाटे कपड़े ते बार भाई मेरी वड्याई होवे, मेरी शोभा होवे, लोक मैनू वाह वाह कहन, भाई दे वर्गा कोई दाता नहीं, कोई दानी नहीं। भाई साहब कहंदे हन उन्हां नूं कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कदे भी निरंकार वाहिगुरु अकाल पुरख ईश्वर दी उन्हां ते कदे कृपा नहीं हो सकती, जेड़ा मां दा निरादर कर रहे हो। बाबा आनंद सिंह जी महाराज दे पास उन्हां दे जन्म स्थान उन्हां दे पिंड दा बंदा चन्नन सिंह आया, सेवादार ने कहा जे नेत्रे विच हन घंटा क रुक जा ते बाद भी तैनू दर्शन हो जाणगे, कवे मैं हुणे ही मिलना। जदों उची उची बोलिया ना भाई साढ़े ही पिंड दे हन महापुरख ते सानू ही नहीं मिलते, ता अंतरयामी बाबा जी बाहर आ गए। क्यों भाई चनना की गल है? कहन लगा महाराज मैं लई सी ते दुध नहीं दे रही, 4 दिन हो गए। महापुरख कहन लगे भाई तेरे घर माता पिता है? नखे जी पिता ता गुजर गया है, मां है मेरे घर, ते कदे मां नूं भी दुध पिलाया ही, कदे मां दी भी प्रसन्नता लई रज के उन्हूं भोजन कराया ही श्रद्धा और प्यार दे नाल। कहन लगा जी आप दूध कह रहे हो, मेरी घरवाली ता इतनी कुपत्ती है कदे पानी दा गिलास नहीं देंदी, निगाह भी कमजोर है मेरी मां दी, मैं ता कम ते जाना हुंदा है, हालिया ने ता अपने हल वाहुणे हन पर वो बड़ा तंग करदी, वो नहीं सेवा करदी। महापुरख कहन लगे ओ प्यारिया मां दा दिल दुखा के ते तू दुध पीना चाहना है, ते जे मां नूं प्रसन्न कर लवे तां फिर दुध दी कोई कमी नहीं तेरे लई, मां नूं प्रसन्न कर लवे परमेश्वर दियां दातां दी कोई कमी नहीं रहेगी। महाराज मेरी गल नहीं जे मननी मेरी घरवाली ने, ते बाबा जी कहन लगे भाई प्यारिया तू साडा नां लै ले, मामा नूं दुध ते पुत्र बड़े प्यारे आउंदे नी। ते जदों उसने जाके अपनी घरवाली नूं कहा ना भाई भगवान ने बाबा जी कोल गया सां, उन्होंने कहा जे दुध पीना जे तां मां दी प्रसन्नता लो, मां नूं पहले दुध पिलाओ। ओ घरवाली कहन लगी जे सानू मां जी नूं एक गिलास दुध पिला के बाल्टी भरी हुई दुध दी मिले होर की चाहिए, ते जदों वड्डे गिलास विच दुध लैके मां कोल गए ना मां जी दुध पी लवो, ते मां नूं विचारी नूं नजर नहीं सी आउंदा कुछ, कहन लगी पुत्रा
ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟਿਚਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਚੱਲੇ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਟੁਕੜਾ, ਲੈ ਨੀ ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਆਂਦਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਐਡਾ ਬਾਲਟਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਘੋਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ 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 ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ 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 ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ 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 ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਾਲਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਓਗੇ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਲਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾਸ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ 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 ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਰੇ।
विसारे विसारे मां प्यो दे उपकार विसारे सारे मां प्यो दे उपकार विसारे मां प्यो दे उपकार विसारे मां प्यो दे उपकार विसारे 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 मां प्यो दे विसारे विसारे मां प्यो दे उपकार विसारे
सब दिन सरैन देखो गुर अपना देखो गुर देखो गुर अपना ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ
नानक का जियो पिंड गुरु है। नानक का जियो पिंड गुरु है। गुर मिल त्रिपत अघा गुरु तेरा शुक्राना। सारे बोलो
शुक्राना शुक्राना सतगुर तेरा शुक्राना। सारे बोलो आज भी तेरा शुक्राना कल भी तेरा शुक्राना रोज रोज तेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतगुर तेरा शुक्राना हर सुबह तेरा शुक्राना हर शाम तेरा शुक्राना हर सुबह तेरा शुक्राना हर शाम तेरा शुक्राना शुक्राना सतगुर तेरा शुक्राना। घड़िया तेरा शुक्राना पल पल तेरा शुक्राना घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना पल पल तेरा शुक्राना सबसे पहले तो उसने हमको मानुख जन्म बख्शी दे अरोगता बख्शी फिर हमें गुरु नानक जैसा गुरु बख्शे फिर उसने हमें संतों का सत्संग बख्शे। सत्संग बोलो श्री। दुनियावी चीजें मिल जानी कोई बड़ी बात नहीं। धनधन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे थोड़े भागों से पुत्र मिल जाता है थोड़े भाग हो मकान अपना बन जाता है थोड़े भाग हो नौकरी अच्छी लग जाती है पर जब बड़े भाग होते हैं तो सत्संग की ये घड़ी नसीब होती है। शुक्राना करें अपने गुरु का। हे सतगुरु आपने कृपा करके हमें इस वक्त अपनी शरण में रखा है नहीं तो कोई इस वक्त अस्पतालों में पड़ा है कितनी पीड़ा सह रहा है कोई क्लबों में बैठा शराबें पी रहा है कोई व्यभिचारों में बरत रहा है कोई कहां भटक रहा है पर तूने कितनी कृपा की हमारे अवगुणों को ना देखते हुए भी हमको अपने चरणों में जगह बख्शी है। कृपा करनी जिस तरह आज बख्शी है ना जगह इस तरह रोज थोड़ी सी जगह दे दिया बहुत सारी नहीं मांगते उच्चारण करो श्री नामदेव जी कहते हैं भगत नामदेव जी जहां जहां ध्रुव नारद टेके नैक टिकावो मोरे। हे प्रभु जहां ध्रुव भगत को रखा है ना
जहां नारद मुनि जी को रखा है, बस उसी सत्संग में ना मुझे भी एक छोटी सी पीड़े जितनी जगह बख्श दे, ताकि मैं चौकड़ा मार के बैठ जाया करूं, लातें फैला के बैठने के लिए, आराम से लेटने के लिए जगह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी जगह मांगता हूं कि तेरे चरणों में बैठने की जगह मिल जाए। साथ संगीत शुक्राना करो। एक नौकरानी राजे के दरबार में रोज झाड़ू दिया करती थी। संत मारे कथा सुनाते थे, संत सुजान सिंह जी। राजे को तरस आ गया, बिचारी बुढ़ी हो गई है, उसने एक कीमती सुच्चा लाल दे दिया, उसको फेंक दिया, वो पल्ले से बांध के घर ले गई। राजे ने कहा चलो इसकी गरीबी कट गई, अब ये झाड़ू नहीं देगी, सुख से बाकी का जीवन निर्वाह करेगी, बहुत धन मिल गया इसको, सुच्चा लाल दे दिया। तो राजे ने क्या देखा, अगले दिन सुबह वो नौकरानी फिर झाड़ू दे रही है। पूछा अरे तुझे कल इतना कीमती लाल दिया तो आज फिर झाड़ू देने आ गई, अभी तेरा पेट नहीं भरा? बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, धन तो बहुत मिल गया, साथ पुश्ते बैठ के भी खाएं तो ना खत्म हो, पर मैं तो झाड़ू इसलिए देने रोज आती हूँ, आज भी दे रही हूँ कि जिस झाड़ू देने की कृपा से मुझे लाल मिला है वो झाड़ू कैसे छोड़ दूँ। तो तेरे दरबार में कोई एक लाल है, पता नहीं फिर कब कृपा कर दे। तो हमारे संत बोलते थे भाई ये गुरु का शुक्राना नहीं करने आया, इतनी दाते गुरु से ले ली, मानुख जन्म भी ले लिया, श्वास भी ले लिए, देरोक्ता भी ले ली, धिया पुत्र भी ले लिए, मकान भी ले लिए, मोटर गाड़ियां भी ले ली, फिर एक बारी शुक्राना नहीं करने आया तो अकल तो नौकरानी जैसी भी ना रही ना भाई, इतनी अकल तो रख लो। एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दें वो भी प्यार से कह देता है अंकल थैंक यू। तो तुम्हें गुरु नानक, तुम्हें परमेश्वर, तुम्हें सतगुरु इतना कुछ दे रहा है, सुबह उठ के एक बारी तो कह दियो शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। मीठे मीठे पदार्थ खाने वक्त तो शुक्राना कर दे, क्योंकि ये जीवन है कभी पाना भी मनन का समा आ जाता है। बोलो श्री वाई। लुकमान हकीम हुए हैं बहुत बड़े, उसको मंडी में से मालिक खरीद के लाए, गुलामों की मंडी से लुकमान हकीम को, छोटा सा था। तो मालिक कहने लगा लुकमान आज मुझे मन करता है मैं खरबूजा खाऊं, लेके आओ। तो वो गया ले आया, मालिक के आगे रखा। मालिक ने जब खरबूजे को काटा, फाड़ी मुंह में डाली, बड़ा कड़वा, सारे खरबूजे मीठे नहीं होते, इसलिए संगत में भी सारे सेवादार मीठे नहीं होते, कई कड़वे भी होते हैं। बोलो प्यार से श्री वाहेगुरु। तो जब उसने फाड़ी मुंह में रखी तो बड़ी कड़वी, तो थोड़ी सी भी अंदर ना जाए उसने बाहर जाके थूक दी, और जितना खरबूजा बाकी था खाना मालिक ने अपने गुलाम को दे दिया, बोला ये तू खा। तो उसने मालिक के चरणों में बैठ के सारा ही खरबूजा इतने प्यार से खाया जैसे मिश्री से भी मीठा। अब ध्यान देना, तो मालिक कहने हैरान हो गया, अरे लुकमान तुम्हें ये कड़वा नहीं लगा? बोला मालिक जब तू रोज मीठे मीठे पदार्थ देता था तो आज कड़वा दे दिया तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे ही हाथों से आया है, वो भी मुझे मीठा है। तो गुरु के भाणे को मानना यह सच्ची भक्ति उसी की है जिसने गुरु के भाणे को मीठा करके मनाया है।
शुक्राना किया। गुरु अर्जन देव जी ततियां लोहों पे भी बैठ के कह रहे हैं तेरा किया मीठा। हम तो कहते हैं सुख हमें दे, दुख हमारे पड़ोसी को दे दे। उच्चारण करो श्री। नहीं ये भक्ति भाव नहीं, ये प्रेम भावना नहीं है गुरु की तरफ। जब प्रेम भावना होगी गुरु से तो सबके लिए सद्भावना होगी। सद्भावना के साथ शुभ मनोकामना होगी, शुद्ध मनोकामना के बाद त्याग होगा, त्याग के बाद प्रेम प्राप्त होगा। उच्चारण करो श्री राय। तो गुरु कृपा करे आप सभी संपन्न रहें, गुरु नानक मेरा करे आप सबको संपन्न रखे, संपन्न के साथ आपको प्रसन्न भी रखे। नहीं तो धन पर आधारित बहुत मिल जाते हैं पर प्रसन्नता नहीं होती मन में। उच्चारण करो श्री। बड़े बड़े अमीर देखे हैं, पूछा भाई ये कितना अमीर है, बोला जी 16,000 करोड़ रुपया है और शक्ल उसकी ऐसी है जैसे 3 दिन से रोटी नहीं मिल रही, ऐसे मुख मुरझाए। धन से खुशी नहीं आती, नाम जपने से चेहरे पे खुशी है। उच्चारण करो श्री। तो आप सब संपन्न रहें, हरे भरे रहें, फले फूले रहें, साथ में संपन्न के साथ प्रसन्न भी रहें, प्रसन्न के बाद परपन भी रहें। परपन का मतलब है अपने गुरु से जुड़े रहें और करते रहें उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु कल भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवा।
सदा सहा। नमः शिवाय। शिवजी सदा विष्णु
शिवा।